मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुराड़कर एमएनजी पुलिस स्टेशन। आज एमएनजी पुलिस स्टेशन के मेरे साथ मेरे ऑफिसर्स और जो कॉन्स्टेबल्स हैं उन सबको एक दास है फर के आइकॉन मुंबई पुलिस अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड है ये हमें जो हम दिन रात काम करते हैं देश की सेवा करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं इसके लिए अवार्ड दिया गया है। इसलिए हम बहुत सारा शुक्र गुजार हूँ। यस, क्योंकि ऐसे अवार्ड मिलने से एक अप्रिसिएशन है और ये अप्रिसिएशन से हम इससे ज्यादा काम करने की हमें इच्छा होती है और हम करते भी है। और पुलिस बल के लिए इतना इस तरह के अवार्ड बहुत कम होते हैं, तो इतना बढ़िया है, इतना जरूरी है, क्या लगता है? यस, ऐसे अवार्ड देना जरूरी है क्योंकि ये बोलते हैं ना, जब हम कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, हम कुछ काम करते हैं तो उसका एक अप्रिसिएशन है, उसकी चीज है और ये देना बहुत जरूरी है। उससे हमारे उम्मीदें और बढ़ती है और हम इससे ज्यादा काम करते हैं। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज जो ये अवार्ड मिला है, क्योंकि ये अवार्ड का नाम भी बहुत बड़ा है, दास है फाल्के आइकॉन एचयूआर अवार्ड है और ये हमारे लिए बहुत, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक बड़ा अवार्ड है। ये हाँ, ऐसे अवार्ड होना चाहिए, उससे हमारे पुलिस का मनोबल भी बढ़ेगा और इससे ज्यादा अच्छा काम करने की हमें एक उम्मीद मिल जाएगी। कल्याण जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कल्याण जी, ये जाना जे है, ये बहुत अच्छे इंसान है और इन्होंने ये पुलिस आइकॉन अवार्ड जो दिया है उसके लिए हम उसके शुक्र अदा करते हैं। जनता के लिए तो यही है कि हम आपके लिए है, आप भी पुलिस के प्रति एक आदर रखें, पुलिस को सम्मान करें और ऐसे ही हमें भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें भी ऐसे हाथ बात लगाए। सबसे पहले मैं दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड जो है वो उन सभी टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे सभी मुंबई पुलिस की टीम की तरफ से। और कल्याण जी ने जो इनिशिएटिव लिया है सब पुलिस वालों को अवार्ड देके सम्मानित करने का, उसे हमें अच्छा काम करने का बहुत सारा मिलता है, तो उनको हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक तो पहले कल्याण जी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि इस अवार्ड हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया है और इस अवार्ड से हमको काम करने की और प्रेरणा मिल सके है और मैं सब आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अवार्ड्स का जो आज का कार्यक्रम मुंबई पुलिस के सम्मान में कल्याण जी जाना ने और उनकी पूरी टीम ने रखा, उसके लिए सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और बहुत सारे कर्मठ पुलिसमैन को आज जो अवार्ड मिला उनके कामों के लिए, हम सब पूरे मुंबई में जो आज बेफिक्र होकर सोते हैं उसके लिए मुंबई पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जैसे होनहार और जाबाज सिपाहियों की वजह से ही हमारा मुंबई शहर एक खुशहाल और एक शांतिमय शांतिप्रिय शहर बना हुआ है। इसके लिए ऐसे अवार्ड्स को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोगों को बुलाया उसमें, उसके लिए कल्याण जी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले समय में भी जब भी ऐसे अवार्ड्स मुंबई पुलिस के लिए होते रहेंगे, हम सब अपनी शुभकामना देते वहां रहेंगे, आते रहेंगे और एक दूसरे को मुबारकबाद देते। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पिछले कई वर्षों से जानता हूँ, बहुत ही होनहार सामाजिक कार्यकर्ता है। अवार्ड शो चाहे कोई और फंक्शन हो, पिक्चर से रिलेटेड हो, फिल्म से रिलेटेड हो, उनका काम अच्छा रहता है और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया तो मैं इसमें आया। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहना चाहेंगे?
रखे हैं आइकॉन अवार्ड जो रखा है पुलिस वालों के लिए, उसके लिए मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद अदा करती हूँ, क्योंकि पुलिस बहुत काम करती है, सराहता कोई नहीं, मगर लास्ट ईयर से इन्होंने जो अवार्ड देना शुरू किया है वो बहुत बहुत गौरवास्पद और अभिनंदनीय है, और हमारा पुलिस वालों का हौसला बढ़ता है, और बहुत उन्होंने हमारा लास्ट ईयर से हौसला बढ़ाया है। कोविड में भी हमारे पुलिस वालों ने बहुत सारे काम किए थे, और 26/11 का भी एग्जाम्पल आपके पास है, उसको सराहना ये बहुत बड़ी बात है, और जाना जी ने वो पहल जो की है बहुत अच्छी की है, उनका मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमको बहुत अच्छा लगा, इस मुंबई पुलिस का नाम तो हर जगह पे रहता है, मैं हमेशा ऑल इंडिया में मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती हूँ बाहर, तो मुंबई पुलिस का नाम देखकर ही लोग डर जाते हैं, मुंबई पुलिस बोले तो हमेशा यहाँ पे ऑफिसर लोगों का जो काम है वो पूरे इंडिया में कहाँ का मतलब कौन ऐसा काम नहीं कर सकता। मुंबई पुलिस ऑल इंडिया में ही नहीं तो ऑल वर्ल्ड में फेमस है। और रही बात कि यहाँ का आपने जो हमें सम्मानित किया है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और थैंक यू सो मच, और हमारे परिवार के साथ आपने जो हमें आज मौका दिया इसके लिए भी हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे परिवार को भी आपसे आपका प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हिंदी तो आता नहीं, मराठी मैं मुरली अवार्ड जिंकला, तिच्याबद्दल मला अजून अतिशय आनंद झालेला। दुसरी गोष्ट, ह्या मुली ह्या तिच्या शिक्षणाबद्दल ह्याच्याबद्दल मला कुठलेही कष्ट घ्यावं लागले नाही, तिच्या पायावर येणं स्वतः काम करत करत शिकली, आणि त्या पदाला पोहोचली, पहिली तलाठी झाली, त्याला दोन कॉल आली होती जेलरचा आणि इन्स्पेक्टरचा, ज्या वेळेला तलाठीचं काम केलं तिनं कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 5 महिने काम केलं तलाठ्याचं, आमचा हिला पैशाला जास्त सपोर्ट नाही दिलं, थोडंफार केले पण पूर्ण आमचं नाव पडलं। आज गावात जर मी गेलो तर रामभाऊजी, माझं नाव रामदास रामभाऊ ओळखतात मला, रामभाऊजी मुलगी असं म्हणण्याऐवजी मॅडमचे वडील म्हणतात, फौजदाराचा वडील म्हणजे हिच्यामुळे मला नाव आणि तुमच्या मला बरोबर। धन्यवाद। संपर्क और पुलिस का जो है मतलब इसमें बहुत एक्टिविटी होती है, और मुंबई पुलिस में मैं हूँ इसका मुझे गर्व है, इससे कुछ कहना नहीं चाहता। कल्याण जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल्याण जी तो बहुत आदमी बहुत अच्छे आदमी, और उन्होंने जो ये अचीवमेंट अवार्ड प्रमोशन रखा है उसकी मुझे प्रशंसा करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत खुशी की बात है और बहुत गौरव होता है। मुंबई पुलिस तो काम करते ही है, लेकिन मुंबई पुलिस के जो बच्चे होते हैं उनकी बीवियाँ होते हैं, वो लक्ष्मी पूजन हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, गणपति हो, आपके घर में आप जोड़ी के साथ, आम जनता जोड़ी के अपने अपने हस्बैंड के साथ मनाते हैं, हम अकेले ही पूजा करते हैं, ये उनका बलिदान रहता है। और दूसरी दुख तो होता ही है बहुत, बट खुशी होती है कि आप आम जनता की सुरक्षा में वो लगे रहते हैं, तो इस बात का हमें गर्व है। और कल्याण जी को हम तय दिल से शुक्रिया करते हैं कि पूरे परिवार के साथ उन्होंने इनको सम्मानित किया है, मुंबई पुलिस के परिवार को भी सम्मानित किया है। चल रहा है कैमरा के ऐसा ही है।
दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड और हमारा छोटा भाई कल्याण जी जाना जो बहुत पॉपुलर शोज करता है उसको शुभकामनाएं देने मैं यहाँ पर आया। हमेशा ही लगभग 15 साल से उसके अलग अलग प्रोग्राम में मुंबई से लेके दुबई तक आई हैव बीन ऑलवेज बीन देयर। माय वेल विशेज ऑन बिहाफ हुम मैं जिन जिन लोगों का नेतृत्व करता हूँ ऐसे देश के लगभग 7 लाख से अधिक कामगारों की तरफ से कल्याण जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरीके से आगे वो प्रोग्रेस करते रहे। थैंक यू। नमस्कार। पहली बात तो ऐसा है कि आज कल्याण जाना ने इतने बड़ा समारोह का जो आयोजन किया है और उन्हीं की वजह से आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। आज मुझे जो मान सम्मान दिया है इसलिए कल्याण जाना और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ये कल्याण जाना जो व्यक्तिमत्व है वो सिर्फ ये अवार्ड शो ही नहीं करता है तो बहुत सारा सोशल वर्क भी करता है। हम उनको देखते हैं, आज उन्होंने एक संकल्प किया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को तो करते ही है, मगर दादा साहेब फाल्के का एक स्टैचू मुंबई में होना चाहिए और उस दिशा में वो व्यक्ति काम कर रहा है। वास्तविक आज दादा साहेब फाल्के की वजह से हम लोग मूवी देख रहे, चित्रपट की हमारा परिचय हुआ है, मगर किसी ने भी उसमें दखल नहीं दिया, ना किसी ने स्टैचू उभारने की कोशिश करी है, मगर ये व्यक्तिमत्व ऐसा है कि जिन्होंने इसका स्टैचू मुंबई में खड़ा करने का एक संकल्प किया है। मैं तो इस संकल्प को उनको शुभेच्छा देता हूँ। बस अब एक ही कहूँगा, ना कद छोटा होता है ना पद छोटा होता है, जो दूसरों के मुसीबतों में खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है, यही उनके लिए कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट टू कल्याण जी जाना कि उनके साथ मैं 2800 वर्षों से जुड़ा हूँ और आज दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड और एक जो मुंबई पुलिस के लिए इन्होंने जो शो किया है 26/11 को जो श्रद्धांजलि दी है उसके लिए मैं दिल से नमन करता हूँ और मीडिया वालों का और बाकी मेरे माँ बाप और सबका शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इस लायक बना है कि मैं हर इवेंट का हिस्सा हो सके और ब्राइट हर एक में रहता ही है। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दादा साहेब फाल्के अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है, मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार। माझं नाव शशांक पंजेवडार, मी कराडहून आलो आहे। मला दादा साहेब फाळके आयकॉन अवॉर्ड मिळालं, सर्वप्रथम मी दादा साहेब फाळके या संयोजकांचं सगळ्यांचं आभार मानतो आणि त्याच्यामुळं ह्या पुरस्कारांमुळं मला कामाची खूप प्रेरणा मिळाली आणि असंच मी काम करत राहील। थँक्यू। बेस्ट ऑफ लक। थँक्यू सर। हाँ, इसको भी नहीं चलेगा।
बहुत बहुत बधाई हो। अरे पहले पूछ रहे थे खूबसूरत है बनाए हो तो बर्डन के पूरा बॉयस आ जाए यहाँ पे आ जाओ, सब जगह पे आ जाओ। बर्डन के जितने भी बॉयस है मेरा सब भाई है। कौन है? आगे आगे ओके आइए। ये कैमरा ऑन करें प्लीज आप लोग। कोई नहीं, ये वर्णन है जिनके नाम से रेमो सर ने फिल्म बनाया था जिसका नाम है एबीसीडी 2। इसके साथ में ये ग्रुप ने जिस तरीके से इंडिया के डांस को बाहर गांव में रिप्रेजेंट किया, इंडिया का गॉट टैलेंट तो जीता ही है, यहां का अमेरिका का गॉट टैलेंट में भी जीता, और वर्ल्ड में नाम कमाना, देश के लिए नाम कमाना, देश के नाम को वहां तक लेके जाना, और क्या चाहिए। और मैं इस ग्रुप को सम्मान करता हूं बिना खा के बिना पानी पी के, जिस तरीके से इन्होंने अपनी ग्रुप बनाया उसके बाद आज वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं मैं वर्णन को, उसकी ग्रुप को, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और इनको देख के धारा सुपारी के बच्चे लोग आज डांस कर रहा है, और डांस भी कंपनी को जिस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं, और मैं भी फॉलो करता हूं, क्योंकि जब 2012 को जब इन्होंने शो में आए थे इंडियाज गॉट टैलेंट में, तभी मैं वहां पे क्रू मेंबर था इंडियाज गॉट टैलेंट का, तो मुझे पता है वर्णन के दोनों और एक भाई थे, दोनों साथ में वो करते थे। आज वर्णन अकेला है, कोई नहीं, इनका ग्रुप एक साथ है, मैं हूँ तेरे साथ, चिंता मत कर तू। और वर्णन को मैं वादा किया जो भाई कल्याण जी जब भी शो करेगा तुमको बुलाएंगे, और इस बार बुलाता तुम टीम को लेके आना, क्योंकि टीम है तो तुम हो, इसलिए टीम सबसे बड़ा होता है। थैंक यू सो मच वर्णन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ताली हो जाए वर्णन के लिए। बहुत प्रेस्टीज है हमारे लिए मूवमेंट, एंड थैंक यू सो मच करने जाना, हमेशा हमेशा हमें याद करते, हर मूवमेंट में याद करते, कभी भी कुछ भी रहेगा तो टेक्स्ट करते, बुलाते, तो थैंक यू सो मच। एंड आप जो भी चीजें कर रहे हो वो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो, एंड सबको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो, हर किसी को इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, एंड जब जब आप बुलाओगे हम हमेशा। थैंक यू, तो मुझे बोल रहे हैं आपका पूरा, आपने स्टूडियो दे दिया मुझे शूटिंग करने के लिए, उसका पोस्टर वहां लगा हुआ है, तो थैंक यू, थैंक यू वर्णन, थैंक यू एसीबी साहब।